मोहित गुरुजी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पोकन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा लेक्चर 5 है। जिन लोगों ने आग पीछे नहीं देखा 1, 2, 3, 4 वो देख लें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैन, मे और माइट तीन मॉडल्स के बारे में, और इनमें क्या डिफरेंस है और इनका क्या अर्थ है इसके बारे में। इस वीडियो को यदि आप पूरी तरीके से देखें, पूरा देखें, तो आप बहुत सारे इंग्लिश में उपयोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस मॉडल का उपयोग करना है और किसका क्या अर्थ होता है। इंग्लिश जो लोग बोल रहे हैं उनको भी इनका सही प्रयोग नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को। तो आज मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं, तो आप इसे अच्छी तरीके से देखें। पहली चीज जो समझने लायक है कि मैं यदि कैन मॉडल का उपयोग करूं या मे मॉडल का उपयोग करूं या फिर माइट का उपयोग करूं, तीनों का अर्थ होता है सकता है। कैन, मे और माइट तीनों मॉडल का अर्थ है सकता है। हिंदी में तीनों का अर्थ होता है सकता है। या फिर मैंने एक और रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस एबल टू प्लस भी वन, इसका मतलब ही होता है सकता है। जैसे कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो सकता हूं है कहिए या हूं कहिए या फिर हो कहिए, सब तो ह से ही है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट है। तो मैं पढ़ा सकता हूं, इसका मतलब सकता हूं, वह पढ़ा सकती है, सकती है, तो सकती है, सकता है, सकते हैं, वे लोग दिल्ली जा सकते हैं। तो जब भी सकना का बात आ जाए कि सकता है, सकती है, सकते हैं, तो हम लोग या तो कैन लगाएंगे, या तो मे लगाएंगे, या तो माइट लगाएंगे, और नहीं तो कभी कभी ये रूल अप्लाई करेंगे। बट कब किसको उपयोग करना है देखिए समझते हैं। कैन जो है वो एबिलिटी को बतलाता है। कैन क्या बतलाता है? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। ये क्या बतलाता है? योग्यता। यानी कि किसी पर्सन में यदि हमको योग्यता शो करनी है, एबिलिटी बतलानी है, तब हम इसका उपयोग करेंगे कैन का। जैसे कि आई कैन टीच, इसका मतलब मेरे अंदर योग्यता है कि मैं पढ़ा सकता हूं। आई कैन पास, मतलब मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं पास कर सकता हूं किसी भी एग्जाम में। आई कैन पास इन 10th एग्जामिनेशन, मतलब मैं 10th के एग्जाम में पास कर सकता हूं। आई कैन पास, डेट मीन्स ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है। सभी लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं, करना हो सकता है बहुत मुश्किल हो, मगर मेरे अंदर योग्यता है कि मैं कर सकता हूं। मे जो होता है ये पॉसिबिलिटी बदलाता है, कह सकते हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बदलाता है, मतलब बहुत अधिक यदि किसी चीज के चांसेस हो। इससे मान लीजिए बादल पूरा बाहर घेरे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? इट मे रेन टूडे, डेट मीन्स बहुत अधिक चांसेस हैं कि वर्षा हो। यू मे पास इन एग्जाम, मतलब बहुत अधिक चांस है कि तुम पास हो जाओगे। कुछ कुछ एग्जाम बहुत आसान होते हैं, उनमें कोई फेल होता ही नहीं है, तो कह सकते हैं यू मे पास। तो मैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बदलाने के लिए, और ये जो माइट है वो वीक पॉसिबिलिटी बदलाने के लिए। वीक पॉसिबिलिटी मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी कम हो, या फिर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बदलाने के लिए। प्रोबेबिलिटी मतलब कि वीक पॉसिबिलिटी, इसका मतलब होता है। मतलब जब चांसेस कम हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमको कहना है कि वह लड़की तुम्हें बदनाम कर सकती है, मगर हमको भी नहीं लग रहा है, बट हमको कहना है कि शायद ऐसा हो सकता है या फिर हो भी सकता है, वो लड़की तुमको बदनाम कर भी सकती है। तो जब ऐसा हो कि पूरा तो चांस नहीं है बट हल्का फुल्का चांस हो, हो सकता है पास्ट में चांस रहा हो मगर अब चांस नहीं हो, इसका उपयोग पास्ट के लिए भी होता है मगर प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है। कि जब बहुत कम चांसेस हो, ना के बराबर, हाँ ना दोनों में हो,
तो कहेंगे सी माइट डिफेम यू, मतलब वह तुम्हें बदनाम कर सकती है, भले चांसेस बहुत कम है मगर कर सकती है, सी माइट डिफेम यू। बोलेंगे सी मे डिफेम यू, मतलब वह तुमको बदनाम कर सकती है, इसकी बहुत अधिक संभावना है, मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि वो तुमको बदनाम कर देगी। हम बोलेंगे सी कैन डिफेम यू, मतलब उसके पास एबिलिटी है कि वो तुमको बदनाम कर सकती है, हो सकता है कोई वीडियो या फिर कोई रिकॉर्डिंग ऐसा हो। सो ये एबिलिटी बतलाने के लिए, ये पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए और ये प्रोबेबिलिटी बतलाने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं कि ही कैन पास, मतलब वह पास हो सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है, हो सकता है एग्जाम बहुत ही टफ हो, बहुत हार्ड हो एग्जाम, मगर फिर भी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो पास हो सकता है, तो ही कैन पास। मान लीजिए कि एग्जाम एकदम आसान हो, हर कोई उसको पास कर सकता है, एकदम बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है पास होगा, हर कोई पास होता है, तो ही मे पास। यदि हमको लग रहा है वो पास हो भी सकता है और फेल भी हो सकता है, दोनों में हमको लग रहा है, तो कहेंगे ही माइट पास। और यदि हमको इसी बात को थोड़ा हम्बली बोलना है, थोड़ा पोलाइटली बोलना है, विनम्रता से बोलना है, सॉफ्टनेस के साथ बोलना है, तो बोलेंगे ही इज एबल टू पास, मतलब वो पास होने के लायक है। तो इसका उपयोग विनम्रता के साथ बोलने के लिए। एम का उपयोग आपको पता है आई के साथ होता है, इज का उपयोग किसके साथ होता है, ही सी इट और सिंगुलर नेम। ही मतलब वह लड़का के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए, जैसे कि टेबल बेंच चींटी, उसका हमको पता नहीं है कि मेल है फीमेल है, तो उसके लिए इट, वह और यह दोनों होता है इट का मतलब, जनरली यहाँ पर वह समझिए। तो ही मतलब भी वह, सी मतलब भी वह, इट मतलब भी वह, यानी कि वह या फिर और मतलब या, सिंगुलर नेम। तो जब हमारा सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है वह रहे या फिर कोई एक नाम रहे, जैसे राम सीता कोई भी एक नाम, तो जब सब्जेक्ट कोई एक नाम रहे या फिर वह रहे, तब इस स्थिति में हम लोग क्या लगाते हैं इज। यदि सब्जेक्ट आई होगा तो क्या लगेगा एम, आर कब लगता है, आर लगता है जब यू दे वी ये सब रहे या फिर प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब क्या होता है, एक से अधिक नाम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे लोग, वी मतलब हम लोग, और मतलब या प्लूरल नेम मतलब एक से अधिक नाम, जैसे सब्जेक्ट में सीता और गीता, तो दो नाम हो गया तो वो प्लूरल नेम हो गया। तो आर कब लगता है, इज कब लगता है, ये तो आप देख लिए, इस रूल से बना सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दू, मुझसे कोई पैसे मांगता है तो मैं बोलता हूँ आई कैनॉट गिव यू मनी, मैं इससे बनाता हूँ आई कैनॉट गिव यू मनी, डेट मीन्स आई डोंट हैव एबिलिटी टू गिव यू मनी, मेरे पास पैसा देने की क्षमता ही नहीं है कि मैं तुमको पैसा दूं, डेट मीन्स मेरे अंदर वो योग्यता ही नहीं है कि तुमको पैसा दे पाऊं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। तो आई कैनॉट गिव यू मनी डेट मीन्स मैं पैसा तुम्हें नहीं दे सकता हूं, मेरी इतनी काबिलियत नहीं है। आई मे नॉट गिव यू मनी मतलब कि ऐसी संभावना है बहुत ज्यादा कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊं, क्योंकि हमको लग रहा है कि उस समय तक मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो ये संभावना बदलाता है, हमको लग रहा है कि नहीं दे पाएंगे, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। माइट लगाएंगे, आई माइट नॉट गिव यू मनी डेट मीन्स ऐसा लग रहा है कि नहीं दे पाएंगे, न में भी और हाँ में भी है, दोनों में तब आई माइट नॉट गिव यू मनी। और इसमें बोलेंगे आई, आई के साथ तो एम ही लगता है, आई एम एबल है, देन जब निगेटिव बनाएंगे तो नॉट एबल या फिर अनएबल, जब निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं अनएबल, अनएबल या फिर नॉट एबल भी आप लोग कह सकते हैं। तो मैं कहता हूँ निगेटिव का रूल हो गया, तो आई एम अनएबल टू गिव यू मनी, इसमें टू भी लगता है, मैंने यहाँ पे लिखा एबल में टू तो अनएबल में भी टू लगेगा, अनएबल मतलब नॉट एबल, तो आई एम अनेबल टू गिव यू मनी मतलब कि मैं पैसा रहते हुए भी तुमको नहीं दे सकता हूं, सब में अंतर है। इसका मतलब आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं दे नहीं सकता, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है देने की, है ही नहीं,
मे नॉट गिव यू मनी मतलब ऐसा लग रहा है नहीं दे पाएंगे, ज्यादा पॉसिबिलिटी। माइट नॉट गिव यू मनी दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। आई एम अनेबल टू गिव यू मनी मतलब रहते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं तुमको, कोई मजबूरी है इस कारण। हम्बली बोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रिस्पेक्टफुली बोलने के लिए। तो आप इन सभी का अर्थ होता है, आप कैन लगाइए, मे लगाइए, माइट लगाइए, एबल लगाइए, सबका मतलब होता है सकता है, मगर कुछ डिफरेंसेस हैं। ये मैंने केवल अफर्मेटिव में बतलाया है, इंटरोगेटिव में भी कुछ डिफरेंस है। कैन जो है उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यदि हम बोलते हैं कैन आई टेक योर पेन मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं आपस में जनरली बात करने के लिए। कैन आई टेक योर पेन, कैन का उपयोग इंटरोगेटिव में करेंगे। हल्का रिस्पेक्ट देना है तो मे लगा देंगे, मे आई टेक योर पेन मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं। मगर और ज्यादा रिस्पेक्ट देना है तो माइट आई टेक योर पेन, माइट लगा देंगे। सबसे कम रिस्पेक्ट, थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, और इनसे भी ज्यादा एक रिस्पेक्ट होता है कुड में, COULD, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कुड आई टेक योर पेन, सबसे अधिक रिस्पेक्ट जो है वो कुड में है। इन सब में देखा जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, सकता हूँ आ रहा है, तो इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, इंटरोगेटिव है। तो कैन मतलब नो रिस्पेक्ट, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, बहुत सारा रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आस्क परमिशन जो भी है, रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये परमिशन ले रहा है, ये आस्क है, पूछ रहा है थोड़ा विनम्रता के साथ। और कुड जो है वो सबसे अधिक रिक्वेस्ट करता है, कुड, COULD। सो आप लोग मे का उपयोग आपको पता है, दया दुआ ये भी सब में होता है, जो दुआ करते हैं मे गॉड ब्लेस यू आगे में लगाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग थोड़ा इन सब चीजों में भी होता है। माइट का उपयोग पास्ट के लिए भी होता है, जैसे सकता है के लिए, सकता था के लिए भी होता है, जैसे कि सी माइट डिफेम यू मतलब वो तुमको बदनाम कर सकती थी। तो सकता था, सकता है और सकता था, दोनों में माइट का उपयोग होता है, यानी कि इसका उपयोग पास्ट में भी होता है। इन दोनों का नहीं होता, मगर इनका इसका पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट में भी होता है। तो आप याद रखिएगा कि इसका उपयोग पास्ट में भी कर सकते, जैसे कि सी माइट डिफेम यू मतलब वो तुमको बदनाम कर सकती थी, अब नहीं कर सकती है मगर कर सकती थी, अभी भी कर सकती है मगर बहुत कम चांस है। तो सकता है में आता है मगर बहुत कम चांस, जैसा मैंने बतलाया। सो आप उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे मॉडल को कुछ, और आपको इससे जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, अपडेट्स मिलेंगे आपको, और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको इंग्लिश सिखाता रहूंगा। थैंक यू।